जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है और ये महीना उम्मत मुसलमा की जानिब से जो है बहुत अकीदत और एहतराम से मनाया जाने वाला महीना है। इस महीने में जहाँ पर तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के रेट्स आसमानों को छूने लग जाते हैं, तो ऐसे में हम आज बात करेंगे कि रियल इस्टेट सेक्टर पर इसका क्या असरअंदाज होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि रमज़ान के महीने में प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल होती है और इसके रेट्स के हवाले से बात करेंगे वो कैसे रहते हैं और रमज़ान के महीने में क्या हमें रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इस टाइम पर ऐसे कौन से बेहतरीन और कम बजट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अगर आप इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं, जानिए आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट अरूज। ट्रस्टमार्ट डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इस तरह की न्यूज़ और अपडेट ला रहे होते हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं रमज़ान के महीने में प्रॉपर्टी की सूरत हाल। रमज़ान के महीने में जितने भी काम, कारोबार, स्कूल, कॉलेजेस होते हैं, इनके औकात कार चेंज हो जाते हैं, कारोबारी सरगर्मियां स्लो हो जाती हैं, लोग ज़्यादातर जो हैं वो घरों में वक्त गुजारते हैं और ऐसे में जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं उनके रेट्स भी बढ़ने लग जाते हैं ईद और रमज़ान की वजह से। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि रमज़ान के महीने में जो है वो रियल इस्टेट मार्केट पर किस तरह असरअंदाज होती है, सबसे पहला पॉइंट होता है स्लो डाउन द मार्केट। रियल इस्टेट की मार्केट जो है वो स्लो हो जाती है और लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या खराजात जो कर रहे होते हैं दूसरी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर नहीं कर रहे होते। बेशक रियल इस्टेट मार्केट थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन किसने ये कहा है कि ऐसे स्लो डाउन या सुस्त जो है वो सीज़न में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो उससे मुनाफा नहीं कमा सकते। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगरचा ईद और रमज़ान के दौरान बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी खरीदने से ग्रेज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड में जो है वो कमी आ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो साला साल जो हैं वो प्रॉपर्टी और मकानात की खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, तो ऐसे में इसकी डिमांड और सप्लाई में जो है वो कमी नहीं आती। इसके अलावा रमज़ान का महीना रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन भी माना जाता है, क्योंकि उस टाइम में बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, मार्केट स्लो होती है और ईद के बाद फ़ौरन जो है वो मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि रेट भी उनके इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स एंड डिस्काउंट ऑफ़र। अब ऐसे बहुत से भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं जिनके नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो इस दौरान ऐसा क्या करते हैं कि वो नए डिस्काउंट्स दे देते हैं, कुछ छूट दे देते हैं और कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान बता देते हैं ताकि लोग जो हैं इस टाइम में इसको अवेल कर सकें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और सम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो हैं डिस्काउंट ऑफ़र देने लग जाते हैं कि इस टाइम को जो है वो बेहतरीन लोग अवेल कर सकें, इन्वेस्ट जो नहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे वो भी इसको कम रेट्स देख के या डिस्काउंट्स देख कर जो हैं वो इसमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैलेटिंग का ऐलान कर देते हैं कि आप इतनी जो है वो पेमेंट करवाएँ और डिस्काउंट भी ले लें और बैलेटिंग में भी चले जाएँ, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप जो है वो एडवांस पेमेंट करवा दें तो आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। सम टाइम इस तरह की जो है वो ऑफर निकाली जाती हैं ताकि लोग जो हैं इस टाइम में इसको अवेल कर सकें। और फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो रमज़ान में आपके पास एक बेहतरीन वक्त होता है कि आप सोच समझ कर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रमज़ान एक पुरसकून महीना होता है जिसमें आपके पास बहुत वक्त होता है सोच विचार करके अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह करना, लिहाजा आप बेहतर जगह इन्वेस्टमेंट का इंतखाब कर सकते हैं। लास्टली हम बात करते हैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप कम बजट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं डेफिनेटली। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी लाहौर स्मार्ट सिटी की, कैपिटल स्मार्ट सिटी की, ब्लूबर्ड सिटी की। जो लोग चाह रहे हैं कि उनको जो है वो साल डेट के अंदर जो अच्छा मुनाफा मिल जाए, तो उनके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और जो लोग लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ब्लूबर्ड सिटी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप उसमें जो है 4.5 मरला उनका जो अवामी ब्लॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डाउन पेमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ 87,500 के साथ है। और अगर मैं इसकी इंस्टॉलमेंट्स की बात करूँ महाना की 4.5 मरला अवामी की, तो वो है 9,750 में आप इसको महाना एक साथ पे जो है वो बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा 5 मरले की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्लूबर्ड सिटी में स्पोर्ट्स वैली के अंदर, जिसमें आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,50,000 के साथ, और महाना एक साथ इसकी बनती हैं जो 5 मरले की हैं वो 23,750। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में या कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से भी पूछना चाह रहे हैं तो हम डेली उसकी अपडेट्स भी ला रहे होते हैं, आप उसकी डिटेल हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।